तो गाइज वापस से आ गए हैं हम 300 इंच के स्क्रीन टेस्ट में, और आज हम करने वाले हैं ऑन AK9 प्रोजेक्टर का, ऑन AK9S प्रोजेक्टर का 300 इंच स्क्रीन टेस्ट। तो गाइज वापस से आ गए हैं हम 300 इंच के स्क्रीन टेस्ट में, और आज हम करने वाले हैं ऑन AK9 प्रोजेक्टर का, ऑन AK9S प्रोजेक्टर का 300 इंच स्क्रीन टेस्ट। आज का वीडियो भी जो है वो पुराने तरीके से रहेगा, मगर कुछ अलग तरीके से, क्योंकि अभी अगर बात करूं जो टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं, और मैंने जो है सामने में लाइट सेटअप किया है ताकि जो है लाइव आपको जो भी रिजल्ट है, जो एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर सकूं। पहले वॉइस ओवर करता था, बहुत ही छोटा वीडियो होता था और शायद उतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होता था। इस वजह से जो है मैंने सोचा क्यों ना पहले की तरह लाइव एक्सपीरियंस जो है, जो रिजल्ट होता है वो आपको दिखाऊँ, और जो लाइव ओपिनियन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब भाई यहाँ पर साइड में रोड भी है तो बहुत सारे गाड़ियाँ आना जाना करते हैं, तो जिस पर गाड़ी आता है तो मैं जो है साइलेंट हो जाता हूँ, जैसे गाड़ी चला जाता है फिर जो है मैं अपना वॉइस या जो भी कहना रहता है वो रिकॉर्ड करता है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और भाई सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट कह सकता हूँ मैं, वो रिक्वेस्ट ये है कि भाई बहुत से भाई वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भाई लाइक का बटन नीचे ही है, तो लाइक का बटन प्रेस करके वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यार, चैनल ग्रो हो नहीं रहा है और मेहनत आप मेरी देख ही रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं 300 स्क्रीन टेस्ट ऑन AK9 प्रोजेक्टर का। तो दोस्तों ये मेरा प्रोजेक्टर स्क्रीन है, और स्क्रीन के बारे में कल ही मैंने वीडियो बनाया था। हाइट जो है 12 फीट है और चौड़ाई जो है वो 24 फीट है या 24 फीट से ज़्यादा ही है। तो पिक्चर जो होता है तो यहाँ पर जो है आपको 22 फीट की चौड़ाई ज़रूरत होती है 12x22 की, तो यहाँ साइड से जो है दो फुट एक एक फुट का जो है गैप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन आप देख सकते हैं, इस साइड से लाइटिंग वगैरह आ रहा है, और यहाँ पर मैंने जो है लाइट ऑन करके रखा है जो बाद में हम ऑफ़ कर देंगे। सबसे पहले हम चलिए प्रोजेक्टर को दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने सेटअप किया है। तो नीचे का ये जो सेटअप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने सेटअप नहीं किया है क्योंकि प्रोजेक्टर इस दूरी पे लगभग 30 फीट की दूरी पे स्क्रीन बना रहा है। कल रात को मैंने जो है इसको सेटअप किया था और वीडियो बनाने वाला था, मगर बारिश हो गई इस वजह से मैंने जो है वीडियो नहीं बनाया। तो प्रोजेक्टर को यहाँ मैंने जो है सेट कर दिया है, लाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है ऑन AK9 प्रोजेक्टर, और इसको मैंने जो है अमेजन फाई टी वी स्टिक के साथ कनेक्ट किया है, फोकस वगैरह सारा चीज़ कर लिया है मैंने। तो चलिए सबसे पहले दोनों ही रिमोट को ले लेते हैं और सबसे पहले ऑन करते हैं प्रोजेक्टर को, ठीक है। मैंने यहाँ पर पावर बटन प्रेस किया और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, लाइटिंग कंडीशन ही है, फुल लाइटिंग कंडीशन है, 9 वाट का जो है यहाँ पर लाइट आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइड से भी लाइटिंग आ रही है, और यहाँ पर जो है आप किस तरह से रिजल्ट आ रहा है और फिलहाल जो स्टार्टिंग इंटरफेस है वो देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी लाइटिंग कंडीशन में भी इतने बड़े स्क्रीन में मुझे अच्छी लग रही है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइटिंग कंडीशन में इस तरह का विजिबिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 300 इंच का स्क्रीन है जो कि 12 फीट से थोड़ी बड़ी स्क्रीन है, आप नीचे की तरफ भी देख सकते हो तो नीचे भी लाइटिंग गिर रहा है। तो 300 इंच का स्क्रीन है, इजीली आप बना सकते हो, और लाइटिंग भी इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम करते हैं लाइट को ऑफ, और उसके बाद में देखते हैं डार्क कंडीशन में या फिर जो लाइट ऑफ करने के बाद में कैसा रिजल्ट रहता है। तो गाइस यहाँ पर जो है लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया है, और लाइट ऑफ के बाद में आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। हालांकि पूरा इन्वायरमेंट जो है डार्क नहीं है, क्योंकि यहाँ साइड से जो है लाइटिंग आ रही है, और इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट आपको गिर रही है। फिर भी रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और विजिबल है। टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी अगर मैं कहूँ, प्रोजेक्टर जो है मेरा थोड़ा सा जो राइट साइड की तरफ ज़्यादा है और स्क्रीन जो है मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है, तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा ब्लर आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ राइट साइड में अगर जैसे 4:30 AM जो टाइमिंग दिखा रहा है वो आपको काफ़ी अच्छा, टेक्स्ट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी शार्प है। राइट साइड में जो है थोड़ा फोकस सही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर मेरा स्क्रीन के सेंटर में नहीं है, थोड़ा राइट साइड में ही है, इस वजह से ये दिख रहा है। हालांकि
अगर प्रोजेक्टर को सेंटर में मैं अगर रखता हूँ तो 90-95% की जो क्लैरिटी है वो मिल जाएगी, यानी कि इसकी जो पिक्चर की शार्पनेस है, ठीक है, या फिर जो कॉर्नर ब्लर कह सकते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। हालांकि हर प्रोजेक्टर 100% ब्लर फ्री इमेज नहीं देता है, तो कुछ ब्लर्स रह ही जाते हैं, और इसके साथ भी ऐसे ही है। तो चलिए, Amazon Fire TV स्टिक हमारा कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर मैं सोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार जो है Fire TV स्टिक मैंने HDMI 2 पे कनेक्ट किया है, और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो Fire TV स्टिक है वो कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके है, तो इसको बैक करता हूँ। और ये जो है आप इंटरफेस देख रहे हैं दोस्तों, लाइटिंग जो है ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रही है, बैक साइड में प्रोजेक्टर ऑन है। और इस तरह से अगर मैं घूम जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये प्रोजेक्टर स्क्रीन है, और आपको नज़दीक से जो है इसका नज़दीक से आप अगर देखेंगे तो आपको जो है ब्लर देखने को ही मिलेगा, वो इमेज की उतनी शार्पनेस आपको देखने को मिलेगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ब्लर दिख रहा है। तो इतने बड़े स्क्रीन को देखने के लिए भी आपको एक डिस्टेंस की ज़रूरत है, उस डिस्टेंस से जब आप देखेंगे तो वो चीज़ जो है नहीं नज़र आएगी और इमेज वगैरह जो है साफ नज़र आएगी। तो फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर कम से कम 20 फीट की दूरी में हूँ, प्रोजेक्टर मेरा 30 फीट की दूरी पे है, और 20 फीट की दूरी में जो है इमेज की शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, टेक्स्ट वगैरह काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो जितने बड़ी स्क्रीन करेंगे आपको डिस्टेंस भी उतनी रखनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर पिक्चर का एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए अब कोई कॉन्टेंट जो है हम चलाते हैं, प्ले करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूट्यूब जो है ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप यूट्यूब के सजेशन में मेरा कल वाली वीडियो जो है देख सकते हैं। ठीक है, यह जो मेरी स्क्रीन एक साल से ज़्यादा हो चुका है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, और काफ़ी भाइयों ने जो है उस वीडियो को पसंद भी किया था, लाइक भी किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई कॉन्टेंट जो है मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रह्मास्त्र का ये सॉन्ग जो है प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर ऐड आ गया है, तो ऐड का भी क्लैरिटी वगैरह जो देखिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हालांकि मैंने जो है अभी प्रोजेक्टर का साउंड को ऑफ कर रखा है। तो भाई यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस तरह का लाइटिंग कंडीशन पूरा डार्क नहीं है, फिर भी जो है विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी बढ़िया है, ज़बरदस्त है। तो ब्राइटनेस की जो है आपको कमी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, और कलर वगैरह जो है आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर्स भी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने रिव्यू वीडियो में भी कहा है कि इस प्रोजेक्टर में जो है आपको एक येलो टिंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कलर्स जो है थोड़े आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। मगर दोस्तों इस चीज़ की वजह से जो है आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, या फिर जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जो आप थिएटर वाला जो एक्सपीरियंस, वो मिस बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको काफ़ी अच्छा जो है पिक्चर का एक्सपीरियंस मिलेगा, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया है इस प्रोजेक्ट की। इतनी बड़ी स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्टर परचेस करते हैं तो एंड्रॉयड प्रोजेक्टर परचेस ज़रूर कीजिए, मगर उसके साथ जो है Fire TV स्टिक का यूज़ कीजिए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके, एंड्रॉयड प्रोजेक्टर से भी बेहतर रिजल्ट जो है मिल सके। यानी कि दोस्तों आप अगर किसी एंड्रॉयड प्रोजेक्टर के थ्रू यूट्यूब पे कंटेंट प्ले करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, और उसी प्रोजेक्टर पे आप अगर Amazon Fire TV स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स अगर कनेक्ट करते हैं और उसको उसका रिजल्ट देखते हैं, और दोनों के जब आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को मैंने कंपेयर करके देखा है और उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, तो दोनों में जो है आपको Amazon Fire TV स्टिक का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और साफ नज़र आएगा। तो भले ही आप एंड्रॉयड प्रोजेक्टर परचेस करें, उसके साथ जो है आप Amazon Fire TV स्टिक का यूज़ ज़रूर करें बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। सो गाइस, ये था ऑन AK9 प्रोजेक्टर का 300 इंच स्क्रीन टेस्ट। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे ही लाइक का बटन है, लाइक का बटन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो का जो लाइक का गोल है वो हम रखते हैं 300। जी हाँ दोस्तों, 300, लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में गोल रखा था 150 लाइक का, जो भाइयों ने, आप सभी भाइयों ने मिलकर उसको कंप्लीट किया। इस वीडियो पे मुझे 300 लाइक चाहिए। उम्मीद करूँगा कि ये जो लाइक का गोल है आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने की जो ज़रूरत है मुझे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 लाख का गोल अभी भी बहुत दूर है, 2 लाख कंप्लीट करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल ख़त्म होते होते अपना जो चैनल है वो 2 लाख के गोल को कंप्लीट कर देगा, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।